इंडिया न्यूज के कार्यक्रम मंच हिमाचल प्रदेश, जयराम ठाकुर क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। पार्टी को हमारा पूरा अधिकार है, अख्तियार है कि हम राज्यसभा के लिए कैंडिडेट अपनी ओर से प्रस्तुत करें। तो हमारी ओर से कैंडिडेट हर्ष महाजन जी हैं और हम जो भी चुनाव लड़ते हैं जीतने के लिए लड़ते हैं, मैं इतने ही कह रहा हूं। संदेश साफ है जी, बिल्कुल। मैं इसमें तो मैं नहीं समझता हूं कि इस बात को लेकर के कोई दूसरा विचार है। और पार्टी का नेतृत्व तो जो भी निर्णय करता है सोच समझ कर करता है और इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आंकड़ों पे पूरा हिसाब किताब लगा लिया आपने? देखिए, आंकड़ों के हिसाब किताब को लेकर के मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि अच्छा होगा और 27 तारीख को आप सब लोगों के सामने आंकड़ा भी आ जाएगा। ठाकुर साहब, अगर आपने देखा होगा बड़े समय से ऐसी बात हो रही, जैसे एक साल से लगातार आप विपक्ष में हैं और पक्ष में जो सत्ता बैठे हैं वो हमेशा ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार से सौतेला व्यवहार जो है वो हिमाचल को मिल रहा है। क्या लगता है कि क्या कारण है कि उनको ऐसा व्यतीत, मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं हिमाचल के साथ जो है, जबकि मुख्यमंत्री के साथ हमेशा जब भी हम ये सुनते हैं तो वो ये कहते हैं कि हमारे साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी की बात करें तो वो कहते हैं कि हिमाचल मेरा अपना घर है। फिर क्या कारण है कि ऐसी स्थितियां या ऐसी स्टेटमेंट्स जो हैं वो सुक्खू सरकार दे रही हैं? देखिए, एक बात को मान करके चलना पड़ेगा। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी यानी कि गठबंधन की हमारी सरकार है, एनडीए की सरकार है जी, और हिमाचल में कांग्रेस पार्टी की सरकार है जी। और कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि होने के नाते मुख्यमंत्री को ये बोलना एक व्यवस्था है। और कभी मैंने उनको कहा है इस बात के लिए कि कभी इस व्यवस्था के दौर में से बाहर भी निकलने की कोशिश करी है, लेकिन वो कोशिश उनसे हो नहीं पाई है, वो उलझ करके रह गए। पहली बात मैं इस बात को बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश 2014 से पहले, जब मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे, कांग्रेस पार्टी की सरकार केंद्र में थी, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। बिल्कुल सही। जो हिमाचल को जो भी स्कीम्स मिलती थी केंद्र की ओर से तो 60-40, 50-50 के रेशो में मिलती थी जी। मोदी जी आए, उन्होंने कहा कि हिमाचल को मैं अच्छी तरह से समझता हूं, कि वहां की परिस्थितियों को समझता हूं, इसलिए हिमाचल प्रदेश के लिए जो पूरा नॉर्थ ईस्ट का जो 90-10 का जो प्रोपोर्शन है वो हिमाचल और उत्तराखंड के लिए होना चाहिए, और हिमाचल प्रदेश को उस श्रेणी में लाया। आज हिमाचल प्रदेश में अगर डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं तो उसकी वजह है कि 90% पैसा दिल्ली से आ रहा है, नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार दे रही है। और इस बात को लेकर के किस व्यक्ति को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं? जब सरकार 90% केंद्र के सहारे पर चली हुई है, प्रदेश का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है उसमें? प्रदेश का, मैं अच्छी तरह से, मैं मुख्यमंत्री रहूं 5 वर्ष, मैं अच्छी तरह से समझता हूं जी। और उसके बाद ये बार बार कहते रहना कि केंद्र सौतेला व्यवहार, एक योजना हमको अगर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बताएं या कांग्रेस पार्टी के नेता बताएं जिस योजना को बंद किया हो हिमाचल प्रदेश के लिए। अगर कोई निर्णय होता है तो पूरे देश के लिए होता है। अगर वो बात कर रहे हैं कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो हिमाचल प्रदेश के लिए कम हुई, तो पूरे देश के लिए कम हुई वो, क्योंकि उसका एक फॉर्मूला था, फाइनेंस कमीशन ने निर्णय किया, वो पूरे देश के लिए कम हुई। अगर वो कहते हैं कि जीएसटी का कॉम्पनसेशन हिमाचल प्रदेश के लिए बंद हुआ तो गलत है वो। जीएसटी कॉम्पनसेशन 5 साल के लिए पूरे देश के लिए, सभी स्टेट के लिए था, और उसके बाद तय था कि उसके बाद वो बंद होना, पूरे देश के लिए बंद हुआ तो हिमाचल के लिए बंद हुआ। इसलिए कम से कम फैक्ट्स जो हैं वो फैक्ट्स हैं, उनको छुपाना नहीं चाहिए, या नहीं जानकारी तो अध्ययन करना चाहिए। अच्छा ठाकुर साहब, अगर हम इसी विषय पे, जैसे आप 5 साल आपने कार्यकाल निकाला है और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था, आपको क्या ऐसा लगा कहीं कि किसी तरह से भी कोई ऐसी उनकी व्यवस्थाएं रही या उनकी ऐसी कुछ अब जो पॉलिसीज़ हैं जो आपके समय में अलग थी और अब जो है वो सरकार के इस सुक्खू सरकार के आने में कहीं हिमाचल को कोई घाटा हो रहा हो, या कोई ऐसी पॉलिसीज़ हैं जो आपके टाइम में बेहतर थी जिससे ज़्यादा विकास हो पाता, क्या लगता है आपको? नहीं देखिए, मैं इस बात को बड़ा साफ कह रहा हूँ कि योजनाएं जैसी हमारे समय थी वैसी थी, ठीक है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। उल्टा बहुत सारी योजनाएं बाद में शुरू हुई हैं केंद्र सरकार की, अगर उन योजनाओं का हम जिक्र करेंगे बहुत वक्त लगेगा, तो उन योजनाओं से हिमाचल को एडिशन लाभ हुआ उसमें, बिल्कुल। लेकिन चली हुई योजना कोई भी हिमाचल प्रदेश के लिए बंद नहीं हुई, इस बात को बड़ा साफ कह रहे हैं। जब हम पूछते हैं कांग्रेस के नेताओं से बंद क्या हुआ,
तो बताने की परिस्थिति नहीं बन पाती उनकी। फिर वो एक दो चीजों का जिक्र करते हैं, वो तो पूरे देश के लिए निर्णय हुए, और हिमाचल पूरे देश का एक हिस्सा है, एक प्रदेश है। अगर निर्णय देश के लिए होता है तो प्रदेश के लिए भी निर्णय उस तरह से होगा, हिमाचल प्रदेश के लिए। और निश्चित रूप से उनको इस बात को समझना चाहिए कि हिमाचल देश से अलग नहीं है, हिमाचल देश में ही है। निर्णय देश के लिए है तो हिमाचल के लिए भी है। जयराम सर, आपने कहा दो दिन पहले कि 14 महीने और 14,000 करोड़ रुपए का कर्ज हिमाचल पर, लेकिन सरकार कहती है कि ये सब भाजपा सरकार की देन है, और जो स्थितियां आज हैं वो भी पूर्व सरकार है उसकी देन है। देखिए, एक बात को बड़ा स्पष्ट होना पड़ेगा यहाँ पर कि बहुत ने शोर डाला सरकार बनने के बाद, जयराम ठाकुर ने ऋण ले लिया, जयराम ठाकुर ने ऋण लिया, और उनको फैक्ट्स या आंकड़ों का मुझे लगता है कि शायद कुछ अभाव रहा, जानकारी नहीं हो पाई, और आज तक की भी परिस्थिति इस तरह की है। वो ही बोलने जा रहे हैं, अरे हम तो 4 महीने बाद लेते थे ऋण, 5 महीने बाद लेते थे, यहाँ हर महीने ऋण लिया जा रहा है। 14 महीने में 14,000 करोड़ रुपए का ऋण आज से पहले हिमाचल में किसी सरकार ने नहीं लिया, एक बात। और दूसरी बात, हम कह रहे हैं उनको कि अगर आपको ऐसा लगता है कि हिमाचल ऋण के बिना चल सकता है तो चलाइए, किसने रोका है? अगर जयराम ठाकुर ने ऋण लिया जी, तो हमने 38,500 करोड़ रुपए जो कांग्रेस सरकार ने जो ऋण लिया था उसकी किस्तें अदा करने के लिए, उसके ब्याज अदा करने के लिए हमने पैसा वापस किया है। उनको इस बात को भी समझना पड़ेगा, और इसलिए बेवजह की बातों का कोई अर्थ नहीं। ये हकीकत है कि हिमाचल प्रदेश में 1993 के बाद जो बेतरतीब ढंग से बेवजह लोन लेने की कांग्रेस की शुरुआत हुई, उसके कारण आज हमको ये खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। और हमारी सरकार ने हिमाचल प्रदेश में ऋण लिया तो लिमिट से ऊपर नहीं गए, लिमिट को कभी टच नहीं, कम लिया हमने उससे, और यहाँ लिमिट हर 4 महीने में 3 महीने में उसको बढ़ाने के प्रस्ताव हो रहे हैं। लेकिन ये तो कहते हैं कि आपके कार्यकाल में सबसे ज्यादा लिया गया, नहीं वो गलत, इनका आरोप का बिल्कुल गलत है। उनको इस बात का भी एहसास होना चाहिए, हमसे ज्यादा वीरभद्र सिंह जी की सरकार जो पूर्व में रही उसने लिया था 50,000 के करीब ऋण जो है, 49,000 करोड़ का ऋण जो है कांग्रेस की गवर्नमेंट हमको दे करके गई जी। और जब हमने गवर्नमेंट छोड़ी है तो उस वक्त अगर ऋण की वो थी 69,600 करोड़ रुपीज, जो ये 75,000 करोड़ की बात कह रहे हैं, ये गलत आंकड़ा है जो प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं, और हमने कांग्रेस की तुलना में कम ऋण लिया। इसलिए जब कुछ बातों को एग्जेजरेट करके, झूठ बोल करके उनकी कोशिश होती है तो भरोसा नहीं होता, लोगों को विश्वास नहीं होता, फैक्ट्स तो फैक्ट्स है। और इसलिए मैं यही कहूँगा कि आज हिमाचल प्रदेश में काम रुके पड़े हैं, विकास नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ऋण लिए जा रहे हैं। और हम ऋण लेते थे, सड़क का काम होता था, पुल बन रहा होता था, हॉस्पिटल बन रहा होता था, कॉलेज बन रहा होता, तो आज 1,000 संस्थान हिमाचल प्रदेश में एक साल में बंद कर दिए, अभी भी बंद करने का काम चला हुआ है। तो जो ऋण ले रहे हैं ये पैसा कहाँ जा रहा है? और यही एक प्रश्न है, वही हम पूछना चाहते हैं कि ऋण, आज मैंने विधानसभा के अंदर बोला भी इस बात को कि आप ऋण ले रहे हैं, काम तो हो नहीं रहा है, आखिरकार ऋण का क्या कर रहे हैं? मैं समझ सकता हूं कि ऋण जो लिया हुआ ऋण है उसकी किस्तों को अदा करने के लिए भी जा रहा है, और दूसरा कर्मचारियों की सैलरी पेंशन के लिए जा रहा है। और मैं दूसरी बात, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगती है, जिसके लिए वो बहुत बोलते रहे मुख्यमंत्री महोदय जी कि हमने कर्मचारी हितैषी हम हैं, कि आज ये कर्मचारी धरने पर क्यों बैठे हैं जी? ये आज सैलरी उनको न HPTDC की महीने की दो महीने 3-3 महीने की मिल रही है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की सैलरी जो है वो निर्धारित तारीख को, पहली तारीख को आज से पहले हमेशा मिलती थी, लेकिन अब की बार उनको आंदोलन करना पड़ा, धरना देना पड़ा, तब जाकर के सैलरी मिल रही है। HRTC की स्थिति वही है, बेरोजगार यहाँ पर चौड़ा मैदान में क्यों बैठे हैं, बेरोजगार वहाँ पर सचिवालय के बाहर क्यों धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, एक साल में वो परिस्थिति पैदा हो गई। इसमें जो बात थी, जो आप ये कह रहे हैं कि ऋण उनके पास है और 14,000 करोड़ ले लिया है, तो कहीं ना कहीं ठाकुर सुखविंदर सिंह ये कह रहे हैं कि एक तो इतना बड़ा कर्ज छोड़ के गए थे, और उसके बाद एकदम अभी कार्यकाल संभाला ही था कि सांस लेने की भी फुर्सत नहीं थी कि आपदा आ गई, आपदा के बाद अब ऐसी स्थितियां हैं कि अब पूरे ऋण को चुकाते चुकाते कमर टूट गई,
तो क्या आपको ऐसा लगता है कि आम जनता का भी इस पे बोझ पड़ रहा है? क्या लगता है कि किस तरह से ये लोग जो हैं, या आपकी अगर कभी सरकार आती है तो किस तरह से इस पूरी व्यवस्था से, इस ऋण की व्यवस्था से कैसे निकलेगा हिमाचल? ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, एक बात को हमको मान के चलना पड़ेगा, आपदा उनके ही दौरान नहीं आई। मैं इस बात से सहमत हूँ कि अब की बार बरसात के कारण जो नुकसान हुआ है जी, बहुत सारे लोगों की जिंदगी गई, बहुत सारे लोगों के घर चले गए, बहुत सारे लोगों के जमीन चले गई, बगीचे चले गए, वो तो उसमें तो दो राय नहीं है। लेकिन उनको इस बात को भी याद रखना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में नहीं, पूरी दुनिया में कोविड का दौर भी रहा, और हमने वो 2 महीने या 3 महीने की आपदा नहीं थी, वो 2 साल की आपदा थी, और हमने 2 साल तक उस आपदा के बीच में काम किया, काम रुकने नहीं दिया जी, काम को जो है वो बंद होने नहीं दिया, लगातार काम की गति बढ़ाई। और आज हिमाचल प्रदेश में आप देखेंगे, कहीं भी जाएंगे, कि हिमाचल प्रदेश में डेवलपमेंट की काम की पेस पिछली बार जो थी हमारी सरकार के दौरान, हमने सड़कों की लंबाई आज तक के हिमाचल प्रदेश की जो रिकॉर्ड था 2700 किलोमीटर इन 5 ईयर्स, वो हमने बढ़ा करके 4700 किलोमीटर किया। तो ठाकुर साहब, अभी जैसे हम देख रहे हैं कि लोकसभा के चुनाव भी आ रहे हैं, कांग्रेस ही वादे थे बहुत सारे, उन्होंने कुछ पूरे किए, कुछ वो करने की तर्ज पर हैं, जिस तरह से वो कहते हैं, ठाकुर सुखविंदर सिंह लगातार ये कहते हैं कि हम लोग जो हैं मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, दिन रात जाग कर काम कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि इस बार, पिछली चुनाव की हम व्यवस्था को छोड़ देते हैं, इस बार के चुनाव की बात करते हैं, अब लोकसभा आ रही है, नरेंद्र मोदी को जिताना है, उसके लिए आप लोग क्या काम कर रहे हैं, संगठन के तौर पे भी, प्रतिपक्ष नेता के तौर पे भी, क्या कहेंगे? पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि जो बोलते हैं कि भाई सुखू जी बोलते हैं कि हमने अपनी गारंटी पूरी कर दी, कुछ पूरी कर दी, ये सत्य नहीं है। एक भी गारंटी पूरी नहीं हुई है। क्यों? ओपीएस तो दिया, और 10 गारंटी दी थी, ओपीएस लागू करने की बात तो हुई है जी, लेकिन ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि इस बात पर भी बहुत गंभीरता से विचार चल रहा है कि ओपीएस जो है, जो कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन मिलेगी, वो लास्ट ड्रॉन सैलरी का 50% मिलती है जी, प्रोविजन वो है, लेकिन फाइल मूव हो चुकी है इस बात के लिए कि इसको 30% करना है, और अब कर्मचारी इस बात को महसूस करेंगे, ठगा ठगा महसूस कर रहे हैं, बोला कुछ तब, करने कुछ और जा रहे हैं। अभी लोकसभा का चुनाव है, इसलिए वो थोड़ा उस फाइल को रोक दिया गया, ठंडे बस्ते में डाल दिया, रोक दिया गया, रुको भाई रुको अभी जी। और ये दिस इज गोइंग टू हैपन, देख लेना, अपने चुनाव होंगे, उसके बाद ओपीएस वालों को जो खुशी इनने कहा कि हमने खुश कर दिया, वो अपनी खुशी को किस प्रकार से जाहिर करेंगे मालूम पड़ेगा। दूसरी बात जो आपने कहा कि देश में चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है स्वाभाविक रूप से, और देश के चुनाव में सीधी सी बात है, हमारे पास मुद्दों की कमी नहीं जी। सबसे बड़ी बात है कि देश के अंदर एक ऐसा नेतृत्व है जो देश ही नहीं दुनिया स्वीकार कर रही है कि सबसे लोकप्रिय नेता अगर कोई है दुनिया में, वो एक नाम है नरेंद्र मोदी जी। ये हमारे लिए बहुत बड़ा गर्व का विषय है, हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिस पार्टी का नेता दुनिया का सबसे लोकप्रिय है, और दुनिया में सबसे मजबूत नेता है तो नरेंद्र मोदी जी। भारत के विकास के लिए जो यात्रा चली हुई है, उनके नेतृत्व में पिछले 10 वर्ष में कई मुकाम पार किए हैं। आप देखिए, धारा 370 समाप्त तो हमारी आंखों के सामने हुई, भगवान रामचंद्र जी के जन्म स्थान पर हम कहते थे कि मंदिर बनाने के लिए हमको संघर्ष करना है, लेकिन वो संघर्ष पूर्ण हो गया, पूर्णता को मिल गया, अब वहाँ पर मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद प्राण प्रतिष्ठा हो गई। इतने जटिल कठिन मुद्दे उनका समाधान है, जिनके बारे में कभी कल्पना नहीं कर पा रहे थे, उनकी अपनी जिंदगी में हमको ये भी दिन देखना मिलेगा जब भगवान रामचंद्र जी के जन्म स्थान पर भव्य मंदिर बनकर के तैयार होगा, उसकी प्राण प्रतिष्ठा देखने का सौभाग्य हमको होगा। ठाकुर साहब, आप जिस तरह से विकास यात्रा की बात कर रहे हैं, हम लगातार सुन रहे हैं, 2010 साल का विकास यात्रा है, एक विकास के साथ में एक न्याय यात्रा भी चल रही है, क्या कहेंगे उसके बारे में? देखिए, वो यात्रा चल रही है, मुझे लगता है कि एक तरह की वो तो एक फिजिकल फिटनेस का एक माध्यम उन्होंने बना दिया है, वो चले जा रहे हैं फिजिकली, वो फिट, वो दुनिया को दिखा रहे हैं कि मैं फिट हूँ, लेकिन अब मुझे मालूम नहीं उनकी एग्जैक्ट क्या आयु है। अब अभी तक वो नेता इस आयु में स्थापित नहीं हो पाया, पूरा परिवार
पूरे समर्पण, उस परिवार के समर्पण को भी मैं भाई साधुवाद देता हूँ कि एक बार चलाने की कोशिश नहीं चले, फिर चलाने की कोशिश फिर नहीं चले, फिर चलाने की कोशिश फिर नहीं चल पा रहे हैं, लेकिन उनके प्रति जो है उनका समर्पण का भाव मैं समझ सकता हूँ। और मैं उससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँ, एक तमाशा बना हुआ है। ये यात्रा का क्या अभिप्राय है, उस यात्रा से क्या सुनने में तो ऐसा आ रहा है कि बीजेपी डर गई है न्याय यात्रा से। कतई भी इस बात को लेकर के उस तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है, कोई उस यात्रा का ना जिक्र कर रहा है ना उस यात्रा में जहां से जा रहे हैं कुछ लोग मिल जाते हैं, लेकिन उस यात्रा से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला देश की राजनीति में। ठाकुर साहब दिल्ली में यही कहूंगा कि ये यात्रा अपने मुकाम तक नहीं पहुंच पाएगी, नहीं पहुंच पाएगी। ठाकुर साहब दिल्ली में एक नारा गूंज रहा है, आपकी बार 400 पार, हिमाचल में कितना? क्योंकि सुखविंदर सिंह सुक्खू आपसे थोड़ी देर पहले कह के गए कि इस बार चारों सीटों पर हम कड़ी टक्कर दे रहे हैं और चारों सीटें हैं सफाई करके जाएंगे। उनको लग रहा है तो टक्कर तो इतना मान रहे हैं कि टक्कर देने की स्थिति में। मैं एक बात कह रहा हूं कि जहां देश भर में नारा लगा है अब की बार 400 पार, और हिमाचल में तो हमारा नारा एक ही बार है, एक ही बात को लेकर है, अब की बार चार की चार, फिर चार की चार। आप चुनाव लड़ेंगे अगर हाईकमान कहेगा? देखिए मेरे बारे में जो भी निर्णय किया है वो पार्टी ने किया है, जहां भी जो जिम्मेवारी दी है, मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, उस दायित्व का निर्वहन मैंने करने की कोशिश की, ईमानदारी से किया पूरे 5 साल, और उसके पश्चात आज मैं सत्ता में नहीं तो विपक्ष हूँ, तो विपक्ष के नेता के नाते की एक जिम्मेवारी मुझे दी है, मैं उसका निर्वहन कर रहा हूँ जी। और ये मैं कह सकता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में हमने एक साल के छोटे से इस कार्यकाल में ही सत्ता पक्ष की परिस्थिति ये कर दी। आज चौक चौराहे पर अगर कहीं से भी पूछेंगे लोग बोलते हैं ये सरकार बदलनी चाहिए, क्यों? क्योंकि विपक्ष ने तमाम मुद्दों को लेकर लड़ाई लड़ी है, विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर, और जब इस तरह की लड़ाई लड़ी है तो स्वाभाविक रूप से उस दायित्व का मैं निर्वहन करते हुए मुझे संतोष है कि हम पूरे साथियों के साथ, जितने भी हमारे विधायक हैं, पार्टी के साथी हैं, उनके साथ उसमें सफलता की दिशा में आगे बढ़े हैं। आगे का निर्णय मेरे बारे में जो भी करना है पार्टी करती है, इसलिए मैं उस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूं। मैंने अपने आप को समर्पित कार्यकर्ता के रूप में पार्टी को सौंपा है, पार्टी निर्णय करेगी जी। सर पिछले विधानसभा सत्र में देखा था कि आप रोज वॉकआउट करते थे और रोज प्रदर्शन करते थे उनकी गारंटियों को लेकर। इस बार मुख्यमंत्री ने जब सत्र शुरू हुआ तो कहा कि विपक्ष से एक ही निवेदन है कि वो हर रोज वॉकआउट ना करें, इस बार कर रहे हैं आप ऐसा? देखिए उनके निवेदन को हमने सुना है, लेकिन उस पर हमारी पार्टी तय करती है और किसी के निवेदन पर नहीं चलता। यहाँ पर हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी एक जीवंत विपक्ष की भूमिका निभा रही है, और उनकी हर बात से हम सहमत होंगे ये संभव नहीं है। अच्छा कुछ बोलेंगे, अच्छा कुछ करेंगे, हम उस बात पर विचार करेंगे, जितना आवश्यक होगा बात करेंगे, लेकिन जो जनहित के मुद्दे हैं उन पर हम अपनी आवाज़ को कहीं भी किसी भी तरह से कमज़ोर नहीं होने देंगे, जोरदार ढंग से बात रखेंगे, और जहाँ आवश्यक होगा विधानसभा के अंदर उठाएंगे, अगर वहां पर हमको नहीं उठाने दिया जाएगा तो निश्चित रूप से सदन से बाहर भी आएंगे, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप जो है अपनी भूमिका निभाएंगे जी। एक कार्यक्रम है सरकार गांव के द्वार, बीजेपी कह रही है कि ये जनमंच का नाम बदला है, हमने मुख्यमंत्री साहब से सवाल भी किया लेकिन उन्होंने कांग्रेस जनमंच को आपको पता है कि जनमंच कहती आई है, और कहा जाता था कि अधिकारियों को डराया जाता था। मुख्यमंत्री साहब कह रहे हैं कि इस बार जो सरकार गांव के द्वार जो हमारा कार्यक्रम है वो जनहित वाला है, जनमंच में सिर्फ और सिर्फ अधिकारियों का शोषण होता था। देखिए अभी तो जनमंच अभी उन्हें बंद किया, एक तो उनको मुख्यमंत्री जी को बहुत शौक इस बात का काम करने के बजाय काम बंद करने का, और हिमाचल प्रदेश में ये दौर पिछले 1 साल से चला है, जो भी काम 1000 से ज़्यादा संस्थान बंद कर दिए, उनको आनंद आता है बंद करना जी। हमने कहा कि आपको चुना हुआ है काम